अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ ये पूरा बॉक्स जो शेयर करूंगी, अच्छा इसमें काफ़ी प्रोडक्ट हैं। ये मैंने मंगवाया था ग्लैम गर्ल बाय मेविस से, जो कि ग्लैम एंड चार्म के नाम से उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाए हैं, गुड वाइब्स। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मिनी फेशियल किट भी है, जो कि वीकली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा सेट है ये डेली यूज़ करने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कौन सा रिव्यू पहले शेयर करूं, पहले ये करती हूं ताकि ये जल्दी से क्लियर हो जाए। ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। साथ स्टोरी में इसका पूरा, जब ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ था तो मैंने आपके साथ पूरी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है। तो ये सबसे पहले है गुड वाइब्स का मिनी फेशियल किट है, और ये बहुत ब्यूटीफुल पैकिंग है इसकी, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। इसमें ये देखिए, ये ऐसी पैकिंग में है, और इसमें 6 स्टेप हैं, ठीक है, जो कि आप एक वीकली फेशियल जैसे आप लोग यूज़ करते हो, फेशियल करवाते हो पार्लर्स में जाके इतने इतने एक्सपेंसिव फेशियल होते हैं। तो ये मैंने इनकी किट मंगवाई थी, और ये मैंने कम से कम 2 दफ़ा यूज़ की है, ठीक है, नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दफ़ा मैंने यूज़ की है। और ये बहुत इजी स्टेप हैं और बहुत अच्छे स्टेप हैं, ये जितने भी इन्होंने 6 स्टेप बनाए हुए हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वन बाय वन। ये स्टेप शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो इनका ये वाला क्लिनसर वाटर है, ये देखें कितना है मेरा, ये मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा क्लिनसर वाटर है, ठीक है। मैं वीकली जब ये वाली स्किन रूटीन में अपने ऐड किया है फेशियल किट, तो सबसे पहले मैं ये वाला क्लिनसर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। तो फिर मैं ये वाला क्लिनसर यूज़ करती हूँ जो कि वाटर बेस्ड में है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है क्लिनजिंग बाम, जो कि है इस तरह से, ये कोकोनट ऑयल से बना है, ठीक है, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, ठीक है, ये आप खुद दे सकते हैं। और ये मैंने बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैंने कोई मेकअप किया हो, और तब मैं ये, मतलब कि अगर वीक वीक में अगर मैं ये, जब ये फेशियल यूज़ कर रही हूँ फेशियल किट, तो अगर मैंने मेकअप किया तब मैं ये यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ये वाला इनका क्लिंजर वाटर यूज़ करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है डीप क्लिंजर, यानी कि इनके क्लिंजिंग स्टेप बहुत अच्छे हैं, जो कि मुझे अच्छे लगे हैं, वो इसलिए क्योंकि अच्छे से आपकी स्किन अंदर से क्लीन हो जाती है। ये है कुछ इस तरह से, इसकी भी स्मेल बहुत मज़े की है, ठीक है, और ये अच्छे से आपकी स्किन को अंदर तक डीपली जो है ना, आपको क्लीन कर देता है। आपको यूज़ करने के बाद खुद फील होता है कि आपकी स्किन काफ़ी अच्छी क्लीन हुई है, ठीक है। ये एप्रिकॉट स्क्रब, और ये कुछ अंदर से इस तरह से है, और इसकी स्मेल भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ी बहुत जो है ना, मुझे हार्श लगी थी, बट ठीक है, इसकी स्मेल इतनी भी बुरी नहीं। बट मैं एक आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी, वो ये कि मेरी स्किन ऑयली एंड एक्नी प्रॉन स्किन है, ठीक है। तो मैंने ये वाला जब स्क्रब यूज़ करती हूँ तो मेरे फेस पे 1-2 बार एक्नी हुए हैं, ठीक है, नॉट इस स्क्रब की वजह से मेरे स्किन पे एप्रिकॉट सूट नहीं करता। मैं किसी भी ब्रांड का एप्रिकॉट स्क्रब यूज़ करूँ तो मेरी स्किन पे बिल्कुल नहीं सूट करता, बट ये मैंने यूज़ किया था, ये अच्छे से क्लीन कर देता है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से। ये मतलब कि आप कि जो स्क्रब का काम होता है वो अच्छे से आपकी स्किन को, टैट जो स्किन होती है उसको ठीक कर देता है, ठीक है ना। तो ये स्क्रब अच्छा है, जिनके फेस पे एप्रिकॉट सूट करता है वो मस्ट ये यूज़ करें। मेरी स्किन पे नहीं सूट करता तो मैं ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, बट मैंने ये यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन को साफ कर देता है, ठीक है। ये है मसाज क्रीम, ओहो
ये मसाज क्रीम है, ठीक है, ये वाइट कलर में है और ये बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में लगाया जाता है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करें और ये बड़ी अच्छे से आपकी स्किन को रिलैक्स करता है। यकीन करें, मैंने जब ये मसाज क्रीम यूज़ की थी, मैंने कभी भी बहुत से फेशियल करवाए हैं, पार्लर्स वाली यूज़ करती हैं, बट मैंने खुद पर्सनली कभी मसाज क्रीम यूज़ नहीं की फेशियल में, ठीक है, अपनी रूटीन में मैंने कभी ऐड नहीं की, बट मैंने ये वाली यूज़ की है। सीरियसली, इससे आपकी स्किन इतनी टाइट होती है और इतना, मतलब कि वो आपको अपने आप को फ्रेश महसूस होता है और रिलैक्स बिल्कुल मुझे अपनी स्किन लगी है ये मसाज क्रीम यूज़ करने से, ठीक है। अब इसके बाद है ये मास्क है, ये देखें कितना यूज़ मैंने किया है मास्क, और ये मास्क काफ़ी अच्छा है, ग्लो आपकी स्किन में आता है, ठीक है। और अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई फाउंडेशन है, बट ये फाउंडेशन नहीं, ये मास्क है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा, इससे ग्लो आता है, ठीक है, और आपकी स्किन काफ़ी टाइटनेप होती है, टाइट हो जाती है आपकी स्किन और पोर्स आपके टाइट होते हैं। मैंने ये यूज़ किया था और मेरे जो, हाँ, और इसकी एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी कि जब मैंने ये मास्क यूज़ किया है तो मेरे जो एक्नी थे ना, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रेड एक्नी थे, उससे रेडनेस और रेडनेस ख़त्म हो गई थी एक्नी की, और साथ ही साथ वो, मतलब कि थोड़े से कम हो गए थे, यानी कि जो उभरे हुए थे, मोटे मोटे थे, वो बिल्कुल कम हो गए थे। मैंने ये 15 मिनट लगाया था ये मास्क, और यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई थी इस मास्क से कि मेरी जो एक्नी की रेडनेस, यानी कि जो नए नए एक्नी होते हैं तो रेड रेड होते हैं ना, उससे उसकी रेडनेस ख़त्म हो गई, तो फील ही नहीं था हो रहा कि एक्नी हुए हुए हैं, ठीक है। ये इतना अच्छा मास्क है। लास्ट और मेरा मोस्ट फेवरेट हाइड्रा जेल, मेरी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो उसके लिए मुझे कोई जेल फॉर्म में मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, यानी कि मुझे कोई भी मॉइस्चराइज़र चाहिए वो मैं जेल फॉर्म में पसंद करती हूँ। मैं न्यूट्रीजीना का भी यूज़ किया है पर वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, और ये इतना मज़े का, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इसका कलर इतना प्यारा है कि दिल करता है खा जाऊँ और इसकी खुशबू बहुत अच्छी, ओ की खुशबू बहुत अच्छी है, और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत 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 कमाल का है। ये मुझे इतना पसंद आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ये इतनी जल्दी जज़ब होता है और आपकी स्किन को टाइट कर देता है, पोर्स को क्लॉक कर देता है। मैंने इस जेल से जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। मैं इवन के सब, अब मैं सोच रही थी कि इसको अपनी नाइट टाइम रूटीन में भी शेयर करूं, जो कि मैं रात को कुछ भी लगाती हूं, क्योंकि मेरी स्किन में अगर कोई मॉइस्चराइज़र ऐसा लगाऊं जो बहुत थिक हो, वो सूट नहीं करता, ठीक है, पर ये जेल फॉर्म में है तो ये सबसे बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। तो ये, इसकी पैकेजिंग कमाल है, इनके कलर्स कमाल हैं, बहुत अच्छी है, और अच्छा सा, मतलब कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। मिनी फेशियल किट, एक तो हम फेशियल किट मंगवाते हैं, इतनी इतनी बड़ी होती हैं कि वो साला साल चलते रहते हैं भाई, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और एक्सपायर भी हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी मुझे लगी है और अफोर्डेबल, इतनी अफोर्डेबल है कि यकीन करें 1,000 में तो कोई भी फेशियल किट नहीं मिलती, और जो मिलती होंगी वो लोकल ही होंगी या उसका रिज़ल्ट कोई नहीं होगा, ठीक है, बट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले मैं सब बातों को एक तरफ रख के एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक दफ़ा मैं भी शापी लाइफ आई हुई थी और मैंने उनसे जस्ट इतना बोला कि मैंने आपका फेशियल, तब मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने फेशियल किट आपको यूज़ किया है तो मुझे एक्नी हो गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे एक्नी हो, आप लोगों को मिसगाइड ना करें। तो मुझे, मैंने बड़े मैसेज उनको आगे से किए कि भाई मैंने ये नहीं कहा कि आपकी फेशियल किट की वजह से हुए हैं, मुझे मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में कि अगर मैं कोई नई प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो तब मुझे ज़रूर ज़रूर कुछ कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, चाहे एक एक निकले चाहे डेढ़ों डेढ़ निकले, ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है।
मैं आप लोगों के साथ लास्ट में वो जो है ना पिक्चर्स भी शेयर करूँगी कि फर्स्ट टाइम जब मेरी फेशियल किट मैंने ये यूज़ की थी तो मुझे क्या हुआ था। बट मेरी स्किन इस तरह की है, मैं कोई ऑर्गेनिक चीज़ भी यूज़ करूँगी ना, सम टाइम वो बहुत रिएक्शन देता है मेरी स्किन को, ठीक है, बहुत वो रिएक्ट करता है कि एक्नी और रेडनेस, इतनी ड्राइनेस हो जाती है मेरी कुछ नई चीज़ यूज़ करने से। मतलब नहीं था कि मेरी आपकी प्रोडक्ट से ऐसा हुआ है, मुझे हर प्रोडक्ट से ये मसले होते हैं। और ये जब मैंने दूसरी या तीसरी दफ़ा यूज़ किया है तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ। हाँ मुझे एप्रिकॉट से मसला है, एप्रिकॉट स्क्रब से मसला है, मैं किसी भी ब्रांड का यूज़ करूँ मुझे होता है, बट मैं ये एप्रिकॉट स्क्रब मेरी एक फ्रेंड है उसको सूट करता है, मैं उसको दे दूँगी। बट इनकी ये पूरी किट बहुत बहुत कमाल की है, अफोर्डेबल है, और इसके साथ जो मुझे ये चीज़ें आई थी ये मैंने यूज़ किए हैं थोड़े से, और ये साथ में बैंड था जो आप फेशियल के दौरान यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो कि मुझे ये लगी है, ये बहुत कमाल का, इतना सॉफ्ट है, ये अभी भी सॉफ्ट है, ये गीला नहीं है, ये अभी भी सॉफ्ट है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अगर अलग से मिलता हुआ ना तो मैंने इनसे बहुत सारे मंगवा लेने हैं, क्योंकि मैंने बाज़ार से जो लिए थे वो तो इतने बकवास निकले कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ मैंने ये चारकोल मास्क भी यूज़ किया है जो कि साथ मुझे गिफ्ट आया था, ठीक है, और ये बहुत अच्छा चारकोल मास्क है, यानी कि मेरे ब्लैक हेड्स, बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं निकले, बट यकीन करें मैंने अपने फेस पे लगाई थी ना तो मेरे एक्नी बिल्कुल साफ़ हो गए थे, और साथ ही साथ मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो गई थी और ग्लो कर रही थी इस चारकोल मास्क से। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने जितने भी चारकोल मास्क यूज़ किए ना, यकीन करें इतने बुरे हैं ना, इतने बुरे निकले हैं कि मुझे मज़ीद एक्नी हो जाते थे तो, लेकिन इससे मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। और इसके साथ एक और पैकेट था, ठीक है, ये दो थे, और अभी मैंने ये टू टाइम यूज़ किया है। ये था आज का मेरा रिव्यू इस मिनी फेशियल किट के बारे में। ये बाकी प्रोडक्ट्स की मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो इसलिए कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें अच्छे अच्छे से, कुछ भी पूछना है वो कॉमेंट्स में पूछें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।